Good morning students. In today's video, we will discuss a very important question of exercise 2.5. Let us see what is the question. Question is question number 12 of exercise 2.5, which is verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to half multiplied by x plus y plus z multiplied by x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। तो इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए हम इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। आइदर हम लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके राइट हैंड ला सकते हैं, देन लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी, या फिर हम राइट हैंड को सॉल्व करके भी हम लेफ्ट हैंड ला सकते हैं जिससे भी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको लेफ्ट हैंड को सॉल्व करना सिखाऊंगी। हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे और उस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम जो ये राइट हैंड में लिखा हुआ है ये लेकर आएंगे जिससे ये आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। तो चलिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जैसा कि आप लोगों को जब मैंने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बताई थी उसमें जो 8th आइडेंटिटी है आपको सबसे पहले उसको यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू द 8th आइडेंटिटी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz दिस इज विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमने कहाँ से लिखा है? ये है हमारे बुक के अंदर एक्सरसाइज 2.5 में जो 8th आइडेंटिटी है, अकॉर्डिंग टू द 8th आइडेंटिटी एक्स। अब उसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको एक प्रोसीजर करना है, आपको इसका लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन कैसे बनता है? किसी भी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन बनता है। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया और हम बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर में 2 है इसको इस ब्रैकेट के अंदर ईच एंड एवरी टर्म से प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ जब ये अंदर चला जाएगा प्रोडक्ट होने के लिए तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यानी 1 बचेगा। तो ये रह गया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। और ये जो 2 है ये जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, आपको अगेन 1/2 एज इट इज़ लिखना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई में जो है इसको भी एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पर आप इस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड प्लस 2y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ऑल्सो 2z स्क्वायर ऑल्सो राइट एज जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, बाकी पीछे वाली 3 टर्म्स यानी माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, आइडेंटिटी अप्लाई करी 8th आइडेंटिटी, उसके बाद में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज यहाँ 1/2 बनाना है। तो ऐसा करने से यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, फिर इस 2 को हमने सेकंड ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट करने के लिए भेज दिया तो यहाँ ऊपर 1 रह जाएगा। तो 1/2 आगे बन जाएगा, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये बन चुका है इतना जो हमें बनाना है। अब अंदर की तरफ जो 2 जो है ये ईच एंड एवरी टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो ये ब्रैकेट बनाएगा। देन आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड 2z स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। देन लास्ट 3 टर्म्स को एज इट इज लिख देना है। ओके, नाउ इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपने लिखा हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी आगे वाली फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दी है। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर आपको इसको थोड़ा अरेंज करना है, एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर लेना है और उसके साथ में माइनस 2xy लेना है, ताकि तीनों मिलकर आइडेंटिटी बना सकते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर की, जो कि यहाँ आपको चाहिए। बिकॉज आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a और b के प्लेस पर अगर x और y हम लेते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab है, इन दोनों को एक साथ में लिख देते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, या आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली आप एक यहाँ से वाई स्क्वायर उठाइए, एक जेड स्क्वायर लीजिए और ये ले लीजिए
माइनस टू वाई जेड, यानी आपने किया यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस टू वाई जेड, और जो रिमेनिंग रह गया क्या रह गया है, एक एक्स स्क्वायर रह गया, एक जेड स्क्वायर रह गया, एक रह गया आपके पास माइनस टू एक्स जेड, इसको भी आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस टू जेड एक्स। आपने सिर्फ क्या किया है, टू से प्रोडक्ट करने के बाद में टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिमिलरली टू वाई स्क्वायर सिमिलर टू टू जेड स्क्वायर को भी इसी तरह से स्प्लिट करके लिखा है। देन हमें क्या करना है, ये लिखी हुई टर्म्स को ही थोड़ा सा अरेंज करना है, और अरेंज करके आप देखेंगे यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ बन जाएगी, ये तीन आइडेंटिटीज़ बन गई हैं, और इन तीनों पर ही आप देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी अप्लाई हो गया है विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। इन दोनों पर आपको इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देना है। तो चलिए अब हम इन तीनों पर इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देते हैं। सो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब आप जब यहाँ पर इन तीन टर्म्स पर इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर टेन प्लस। अगेन आप इन सेकेंड थ्री टर्म्स पर इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे देन वी गेट वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, और थर्ड पर लगाएंगे तो बनेगा ये जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये एक्स माइनस जेड भी बन सकता था। ओके तो ये इस तरह से आपका कन्वर्ट हो गया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड को सॉल्व करने पर जो मिल गया है आपको, ये एक्जैक्टली राइट हैंड में भी यही लिखा हुआ है, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया और आपको मिल रहा है राइट हैंड साइड। दैट मीन्स यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हैंस जो आपको प्रूफ करना है प्रूफ हो गया। कैसे किया हम लोगों ने, लेफ्ट हैंड लिखा, लेफ्ट हैंड पे हमने सबसे पहले क्या किया एट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई, देन हमने नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू से मल्टीप्लाई किया बिकॉज वन बाई टू बनाना था, और जो न्यूमरेटर वाला टू है उसको मैंने सेकेंड ब्रैकेट में प्रोडक्ट करने के लिए भेज दिया, तो बाहर बन जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो अंदर जाके प्रोडक्ट होगा ईच एंड एवरी टर्म से, उसके बाद में टू एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर टू जेड स्क्वायर बनेगा जिसको हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे। लिखकर उसके बाद उसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि तीन तीन के पेयर बनेंगे, और उन तीन तीन के पेयर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी की आइडेंटिटी लगेगी विच इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। उस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देना है आपको सेकेंड ब्रैकेट पर, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिखा जाएगा। जैसे आप अप्लाई कर देंगे इस आइडेंटिटी को आपको एग्जैक्टली राइट हैंड साइड मिल जाएगा, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, इस तरह से आपकी ये आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। आई होप आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।